और एक वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास एक बर्ड है, आप किस तरह से घर में ही बना हुआ मेडिसिन के साथ आप अपने बर्ड को आप नहला सकते हैं, उसको बात दे सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से देखें, टूटू का अभी ये मोल्टिंग हो रहा है, तो मोल्टिंग के समय बर्ड को जरूर बहुत अच्छे से बथ करवाना चाहिए, यानी नहाना चाहिए। जो खराब फेदर, पुराना फेदर जो रहता है, वो सब मोल्टिंग के टाइम झड़ जाता है। और कुछ कुछ जगह पर अगर आप देखें, टूटू के हेड पर बहुत सारा फेदर जो था वो झड़ गया है, एकदम स्किन निकल के आया है। और अभी इस टाइम इसको बथ देना बहुत जरूरी है। अगर आप टूटू का सर देखें तो यहाँ से बहुत सारा जो फेदर था वो निकल गया है और स्किन भी वहाँ से निकल के आ गया है, नया फेदर भी आ रहा है। लेकिन अभी इसको बहुत अच्छे से अपने आप को क्लीन करना चाहिए। और उसके लिए आज हम एक नेचुरल एक मेडिसिन कह सकते हैं आप, उसको हम बनाने जा रहे हैं। और टूटू को उससे आज हम नहलाएंगे। और भूटू भी अभी 4 महीना, लगभग 5 महीना इसका होने वाला है। ये तो अभी फुल सेल फीडिंग पर आ चुका है, ये अपने आप पूरा सेल पर आ गया है। और भूटू का अगर आप सर देखें तो इसका भी कुछ ना कुछ फेदर अभी गिर रहा है, नया फेदर आ रहा है। तो आज हम एकदम घर का बना हुआ मेडिसिन आज यूज करेंगे। अगर आपके पास एक बर्ड है, उसका मोल्टिंग चल रहा है, या बेबी बर्ड है, उसका 5 महीना कंप्लीट हो चुका है, वो फुल सेल्फ फीडिंग पर आ चुका है, आप उसको बथ देना चाहते हैं, आप उसको नहलाना चाहते हैं, तो किस तरह से नहलाएं अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर देखें। ये मेडिसिन बनाने के लिए आपको चाहिए नीम का पत्ता और कच्चा हल्दी। नीम के पत्ते को पानी में बहुत अच्छी तरह से उबाल लेना है और इस हल्दी को बहुत ही अच्छी तरह से पीस लेना है। और हल्दी को हमने बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है। और ये पीसा हुआ हल्दी से आपको हल्दी का जो रस है यानी जूस को आपको निकाल लेना है। और पानी को स्प्रे करने के लिए चाहिए आपको एक स्प्रेयर। यहाँ पर हमने 1 लीटर पानी दे दिया है, इसको बहुत ही अच्छे तरह से उबाल के इसको आधा कर लेना है। तो लगभग नीम का पत्ता जो है ये बॉयल पूरी तरह से हो गया है और वाटर भी लगभग आधा हो चुका है। इस मेडिसिन को बनाने के लिए जस्ट आपको ये 3 चीजें चाहिए। नीम का पत्ता हमने पानी में उबाल लिया है, अगर आप देखें बहुत ही अच्छी तरह से पत्ता पानी में बॉयल हो चुका है और ये पानी एकदम गाढ़ा काले रंग का हो चुका है। और हल्दी को हमने पीस लिया है और चाहिए हमें एक स्प्रेयर। अगर आप हल्दी से डायरेक्टली आप उसका रस निकालने जाएंगे तो वो नहीं निकलेगा, बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो स्प्रे में वो अटक जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेना है और इस पानी को छांक लेना है। और नीम का पत्ता का जो पानी है उसको भी अच्छे से छांक लेना है। और हल्दी का जो पानी था उसके साथ नीम का पत्ते पानी में बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेना है। और ये अभी भी थोड़ा गर्म है, इसको एकदम ठंडा कर लेना है। धीरे धीरे करके स्प्रे कर देना है बर्ड के ऊपर। टूटू को पता है इस तरह से, वो पहले भी हमने 2-3 बार ट्राई किए थे इस तरह से, इस बॉटल से उसको नहाने के लिए पानी दिए थे, तो टूटू को पता है, टूटू बहुत मजे से नहा रहा है। लेकिन भूटू एकदम नया है, पानी गिर रहा है उसके फेदर के ऊपर और वो डर रहा है। हर तरफ से हर जगह पर धीरे धीरे स्प्रे कर देना है, एकदम सामने से नहीं देना है। स्प्रे का पानी अगर नाक में कान में चला जाए तो प्रॉब्लम आ सकता है। धीरे धीरे करके हर तरफ से हर जगह पर धीरे धीरे स्प्रे कर देना है। इस मेडिसिन का अगर फायदा अगर आप पूछे तो, अगर बर्ड के फेदर में कोई माइट्स वगैरह होगा तो नीम के पत्ते के वजह से वो मर जाएगा। और हल्दी जो है ये एंटीबायोटिक है, अगर फेदर गिरने के कारण किसी भी तरह कोई भी स्किन के ऊपर अगर कोई घाव वगैरह या स्किन का कुछ प्रॉब्लम है तो हल्दी के कारण, एंटीबायोटिक के देने के कारण वो सब भी ठीक होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और नीम का पत्ते के वजह से बहुत सारा उसका फ़ायदा भी है। अगर आप पूछे, अगर आपके पास एक बेबी बर्ड है तो बेबी बर्ड को हम डीवॉर्मिंग इतने जल्दी नहीं करा सकते हैं। अगर नीम के पत्ते से वो
उसके पानी से अगर हम उसको नहलाते हैं, अगर कुछ भी उसके पेट में वो पानी जाएगा तो डीवॉर्मिंग का काम भी थोड़ा बहुत हो जाता है। तो नेचुरल चीज़ों का तो फ़ायदा बहुत है, जो नेचुरल जो सब मेडिसिन जो रेमेडीज़ है हम इस्तेमाल करते हैं, जो ह्यूमन इस्तेमाल करते हैं, तो उसका तो फ़ायदा बहुत है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। समर टाइम में इस तरह का आप वीकली एक बार दे सकते हैं, यानी महीने में 4 बार। नॉर्मली समर टाइम में अगर आपका बर्ड एजेड है, बड़ा है, 1 साल के ऊपर है, तो आपको मिनिमम वीकली आपको 3 बार उसको नहलाना चाहिए। आप इस तरह का नीम का पत्ता और हल्दी के इस तरह बना के आप वीकली 1 बार दे सकते हैं, यानी महीने में 4 बार। और नॉर्मली आप जितना उसके एज के हिसाब से कितना आप उसको नहलाते हैं उसके हिसाब से आप उसको नहला सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप टूटू का आप उसका सर देखें तो यहाँ से बहुत सारा फेज़र निकल चुका है, उसके विंग से भी बहुत सारा फेज़र निकल गया है। तो इस वजह से अभी हम टूटू को, ये सेकेंड बार है, पहले भी हम दे चुके हैं, ये एकदम नेचुरल ट्रीटमेंट है और इसका फ़ायदे भी बहुत है। तो टूटू और भूटू को दोनों को ही हमने स्प्रे करके लगभग बद दे दिए। इसी तरह से अगर आपका बर्ड का मोल्टिंग हो रहा है या फेदर प्रॉब्लम है तो आप इस तरह का घर में ही मेडिसिन बना के इस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एक बात ध्यान रखना, आप अगर अपने बर्ड को नहलाना चाहते हैं या बद देना चाहते हैं तो मिनिमम एज है 5 मंथ। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, बर्ड जब फुल सेल्फ फीडिंग पर आ जाए, पूरा अपने आप सब कुछ खा सकता है, वो खाने लगा है, उसके बाद ही आप उसको नहलाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना सही था। अगर आपको और कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।